इलेक्शन एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की जोधपुर सीट को लेकर कांग्रेस नेता वैभव गहलोत के नाम की चर्चाओं के बीच वैभव गहलोत का 3 दिनों तक लगातार जोधपुर में रुकना और सक्रियता के साथ कांग्रेस जनों के अलावा आम जन से संपर्क करना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसका मतलब ये, क्या वैभव गहलोत को जोधपुर से उतारने की तैयारी कर ली गई और संकेत वैभव गहलोत को दे दिए गए और इस वजह से वो लगातार जनसंपर्क साधने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं, वरिष्ठ जनों से मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैभव गहलोत का होली के त्योहार पर जोधपुर आना और कांग्रेस जनों सहित आम जन से अपने पन से मुलाकात करना कई तरह के संकेत दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और युवा कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने जोधपुर में रहकर 3 दिनों तक न सिर्फ राजनीति को बारीकी से देखा, परखा और समझा है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। साथ ही माली समाज के प्रमुख राव जी के गैर कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ माली समाज के लोगों से मुलाकात में जो आत्मीयता दिखाई और पैर छूकर माली समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, उससे उनमें सीएम अशोक गहलोत के संस्कार तो दिखाई दे ही रहे हैं। ये भी साफ हो गया है कि सभी को लेकर चलना और कब कहां क्या कदम उठाना है उन्हें अच्छे से आ गया है। 2 दिन के होली पर्व के आयोजनों के अलावा वैभव गहलोत ने 3रे दिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपू खान से लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र सोलंकी और महिला कांग्रेस नेता कुंती देवड़ा के अलावा शहर विधायक मनीषा पवार से न सिर्फ अलग अलग घर घर जाकर चर्चा की बल्कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने का भी काम किया। लोगों की भावना है कि वैभव गहलोत यहाँ आए तो बहुत अच्छा वोटों से निकलेगा और आपने कहा 3 दिन यहाँ रुके हैं, लोगों ने बुलाया है यहाँ पर, वो राहुल वैभव जी गए हैं, किसी को भले गरीब के घर पे बुलाया तो भी गया और करोड़पति के घर पे गया तो भी बुलाया, बुलाना के ऊपर उसने जाकर लोगों से मिला है और मिलकर बातचीत की है। मैं आपको कहना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूँ, वैभव गहलोत को जोधपुर का टिकट मिलना चाहिए, आराम से जीतेगा, कम से कम जीतेगा तो 2 लोग वोटों से जीतेगा। ये मैं बता, युवा नेता अपने वैभव गहलोत जोधपुर पधारे और ओली स्नेह मिलन में उन्होंने संबोधन दिया, उनका संबोधन बहुत ही अत्यंत ही दिल को छूने वाला लगा। उसके बाद रामासमा को राव जी के गेर में शिरकत की, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ रहे, उन्होंने लोगों के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, सभी विधायकों जो कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक हुए हैं उनके घर गए, उनसे मिले। हालांकि वैभव गहलोत का चुनाव लड़ना अभी भी फाइनल नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी और गहलोत परिवार ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। फिलहाल कांग्रेस एयर स्ट्राइक के बाद के माहौल को आंकने में जुटी है, ऐसे में जोधपुर में कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझकर वैभव को मैदान में उतारने पर फैसला होगा। अलबत्ता अभी भी वैभव गहलोत टिकट की दौड़ में सबसे आगे है, उधर जोधपुर की जनता भी वैभव गहलोत को चुनाव लड़वाने की मांग कर रही है। जोधपुर के कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं और यहाँ क्षेत्र की जब जनता से बात हुई उनके नर्व जब टटोली गए तभी उनका यही कहना था कि वैभव गहलोत को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये सब फैसले आलाकमान को कर रहे हैं मगर 3 दिनों तक जिस तरीके से जनता से जुड़ रहे हैं त्योहार के वक्त ये अपने आप में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सर जी कृष्णा गौर के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज जोधपुर।